हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो आज हम सब जा रहे हैं स्कूल अपार्टमेंट। तो ये मैं लैंड कर लिया, जल्दी जल्दी कल लूट लेता हूँ। नीचे फुटप्रिंट्स आ रही हैं। चलो सही है, जाके तो गाइस इसको भी हमने भर दिया है। इसके पास तो बस पिस्टल थी, ये खास कुछ कर भी नहीं पाता। स्कूल अपार्टमेंट से भी में बंदे आए हैं और स्कूल से भी फायरिंग आ रही है। यूज ही नहीं है। 7 PM ड्रॉप कर देता हूँ। हम सब मेन अपार्टमेंट में चलते हैं। गाइस स्कूल में भी एक बंदा आया हुआ है, वो बटरफ्लाई वाली ड्रेस पहना हुआ है। चलो वो तो हाथ से निकल गया। मैं अपार्टमेंट जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदा रहता है जो सीढ़ियों के पास टीवी भी लेता रहता है कैंप पर। मैं भी उसको स्काउट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं फॉल बैक कर लेता हूँ। अब मैं उसको मारूंगा। तो गाइस हमेशा फ्री फायर आप दिया करो, फ्री फायर हमेशा काम आता है। उसको एक दो बुलेट्स लग भी जाती हैं तो उसका हेल्थ थोड़ा डैमेज हो जाता है। यहाँ पे एक बॉट है, पता नहीं क्या हो गया। दिख नहीं रहा बाइक पे बैठा। बहुत डैमेज है यार। ये 20 HP या फिर 10 HP पे ही होगा, उससे ज़्यादा तो उसको लगता नहीं, क्योंकि M16 का डैमेज भी अच्छा ही है। मैं उसको स्काउट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है ये ग्लिच हो रहा है, उसको डैमेज पड़ा लेकिन उसको मर जाना चाहिए और वो 20 HP था ही। इतने जल्दी हेडशॉट थोड़ी मारेगा। ग्लिच की वजह से बच गया वो। मैं उसको एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ नीचे वाली अपार्टमेंट से जाके, लेकिन ये पेड़ पौधे आ गए थे तो मेरा एंगल ब्लॉक हो जा रहा था। ये बॉट आ गया, बॉट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नीचे भी एक बॉट रहता है ये, तो मैं इसको आसानी से मार देता हूँ। 6x मिल गया, स्कारल भी मिल गया मुझको। ठीक ही है, कारें मिल गई है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दीजिएगा आपको कौन सी वीडियो चाहिए, और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी लाता रहूँगा आपके लिए। यहाँ पे एक बंदा आया था US से और एक मेन अपार्टमेंट में। मैं पेन किलर एनर्जी ड्रिंक मार लेता हूँ, रेडबुल। ये मैकलेरन वाला पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अपनी गाड़ी पलटा के फिर चला जाता है। उसको कुछ असर होता ही नहीं है। मैं स्मोक कर देता हूँ उसका विजन ब्लॉक करने के लिए और उसको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि मैं रश कर दूँ लेकिन रश कर ही देता हूँ।
जेला जाता हूँ। यहाँ पे और भी कई बंदे आए हुए थे, और जगह से फायरिंग आ रही थी। यहाँ पे एक जीप वाला भी आया था और एक मैकलारन वाला चला गया, लेकिन इस अपार्टमेंट में कोई था ही नहीं। मुझे लगता है वो फॉल बैक कर लिया होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा स्काउट करने की कोशिश करता हूँ कि कौन आया है कि कौन नहीं आया है। ये मैप में देखिए एक बंदा आया है फिर से। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऑलवेज कंफ्यूज योर एनिमी। हमेशा आप एनिमी को कंफ्यूज करोगे। आपने बहुत जगह सुना होगा तो मैंने वही किया। जितना आप कंफ्यूज करोगे उतने इजीली आप मार पाओगे। उसे लगा मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ और वो कंफ्यूज हो गया, और इसके पास MK भी थी बताइए। और लेकिन अगर इसने प्रीफायर दिया होता तो उसकी अगर 4 बुलेट भी अगर मुझको लग जाती तो मैं ख़त्म था। इसलिए कहते हैं गाइस प्रीफायर देना चाहिए। ये मुझे 100 रुपये का ड्रेस बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने पहन लिया। ये थोड़ा मैं एडियस देखता हूँ कि मेरी सेंसिटिविटी सही है कि नहीं। MK सबसे पावरफुल गन है पूरे BGMI में। MK ऑटो वेव चलती है, स्नाइपर है, सब है। मुझे फायर आ रहा था सामने से, मैं सामने मुझे वो दिख गया था, लेकिन मैं उसको नेडिंग करता हूँ। वो नेड की आवाज़ सुन के फॉल बैक कर लेता है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं इसका विज़न ब्लॉक करूँ और उसको कंफ्यूज करूँ और मैं उसको नेट से मार दूँ, लेकिन देखिए आगे जाके क्या होता है। ये मुझे दिख गया था लेकिन मेरा स्प्रे थोड़ा लेट पड़ गया था, मैं उनके निकाल लेता हूँ। और मेन अपार्टमेंट में पता नहीं बंदा कहीं से आ गया था, और देखिए सामने से फायर आ रहा है मैप में। और मैं फिर मोड निकाल लेता हूँ, और ये देखिए क्या बताऊँ अब आप देखिए। मुझे लगा ये यहाँ पे, लेकिन वो ऊपर रहता है इसी में। ये देखिए ये क्या हुआ। आ जाते हैं एक नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो के साथ। ये वाला गेम प्ले वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मेन अपार्टमेंट 2 बंदे ऑलरेडी आ गए थे। मैं चाहता नहीं था कि पहले मर जाऊँ, तो मुझे यहाँ पे एक पिस्टल मिल जाती है और AK मिल जाती है, और साथ में लेवल उनकी वेस्ट। मुझे इतना सफिशेंट था, जान गया था कि सामने वालों के पास लूट तो होगी नहीं। सामने वाले बंदे फाइट कर लिए थे, मैं जानता था इसकी हेल्थ है, तो मैं उसको मार दिया। मुझे ये TPP ले रहा था। मुझे ये लग रहा है कि ये मुझको मार देते, लेकिन शॉटगन क्यों लिया था, इसको AK भी ले लेना चाहिए था। यहाँ पे मेरा गाइस एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। ये देखिए मैप में 3-3 फुटप्रिंट आ रही है। ये तो खैर ये बॉट निकला। तीन तीन फुटप्रिंट आ रही है, मैं कहा कि मैं सोलो खेल रहा हूँ, ये 3-3 फुटप्रिंट कहाँ से आ रही है। एक बंदा आ गया, ये भी बॉट ही था, पता नहीं बॉट क्यों आ रहे हैं, लेकिन सही है, खेल अपने को मिलेगी। बैरल उठा लेता हूँ बॉट की क्रेट से। देखिए मैं UMP भी ले लेता हूँ। ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि प्री फायर हमेशा देना चाहिए। मैं उसको प्री फायर दिया, उसको 3 बुलेट ऐसे ही लग गई, उसकी हेल डैमेज हो गई थी और वो पूरा फिनिश हो गया। जाता हूँ मेन अपार्टमेंट में। स्कूल से फायर आ रहा था, और अभी गाइस आगे चल के देखिए एकदम इंटेंस गेम होने वाला है आगे। मतलब मैं ऐसी जगह फंस जाऊँगा ना, आप
बस लाइक कर दोगे। मैं थोड़ी यहाँ से लूट ले लेता हूँ। मुझे यूजी यूएमपी से ज़्यादा बेटर लगती है क्योंकि उसकी फायरिंग स्पीड बैरल जितनी है और यूएमपी का डैमेज भी कम है। स्कूल से फाइल आ ही रहा था, मैं जान गया था कि बंदा है। मैं M4 लेके आ गया इधर पे वापस। मैं सोच रहा था कि वो कब मेरे पे रश करे, वो सोच रहा है मैं कब उस पे रश करूँ। तो मैं उसको थोड़ा उसका एंगल देखने के लिए, एंगल बना के मारने के लिए मैं अभी बाहर जाऊँगा। यहाँ पे मेरा नेट चल देता है। मैं वापस मेन अपार्टमेंट भाग जाता हूँ 5 की एमओ लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास 5 की एमओ कम थी। फाइव की एमओ मिल जाती है और मैं वापस आ जाता हूँ। और बस देखिए आप आगे होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा हद लगा लेता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं जानता था वो पीछे से फायर ज़रूर करेगा। मैं बाइक फ्लैंक करके बाइक लेने जा रहा था कि उस पर रश करूँ, लेकिन वो मुझको बहुत बुरा मारता है। तो इसके लिए मैं पहले हेल्थ लगा लेता हूँ और मेरे पास ज़्यादा हेल्थ था भी नहीं। देख लीजिए 12 बैंडेज और 1 पेन किलर है। तो मुझे लूट चाहिए थी और पूरा अपार्टमेंट मैंने लूटा नहीं था। मैं उसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उसके पास 3x था। तो ये देखिए पीक का ग्लिच हो गया। मैं उसको दबा रहा हूँ लेकिन वो वर्क ही नहीं कर रहा। ये देखिए मैं उसको डैमेज दिया था। मैं जान गया था वो अभी हेल्थ किट लगाएगा, तो मैं भी इसलिए पहले से लगा लिया था और मैं जा रहा था। लेकिन ये देखिए, ये मैं ऑलमोस्ट बसते बसते आ गया, वरना मैं मर ही जाता। अब मेरे पास पेन किलर थी और मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैं क्रेट में जाता हूँ लूटने के, मुझे कुछ बैंडेज मिल जाए तो। मुझे हेलमेट मिल जाता और कुछ बैंडेज मिल जाते हैं और मुझको लूट चाहिए था। और मैं यहाँ में जंप करके सामने वाले अपार्टमेंट में लूट करने चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास हेल्थ के नाम पे कुछ नहीं था। कि बीच में रेलिंग आ गई वरना उसको डैमेज पड़ता, लेकिन उसने मुझे डैमेज दिया और मैं चला गया रश करने, क्योंकि अब मेरे पास हेल्थ किट सब हो गया था। थोड़ी सी लूट आ गई थी मेरे पास। मैं फिर से उसको स्काउट करने की कोशिश करता हूँ और मैं आखिरी में रशी करने चला जाता हूँ। ये देखिए मेरी बैटरी 10% है। मैं स्मोक कर देता हूँ जिससे उसका विज़न ब्लॉक हो जाए। सामने से कार जाती है, मैं उसको इग्नोर मार देता हूँ। और गाइस मॉली मॉली बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन मैं उसको बस डैमेज ही कर पाता हूँ। उसकी फुटप्रिंट भी वहीं से आ रही थी और वॉइस भी वहीं से आ रही थी, और ग्लिच के कारण वो दिख भी रहा था आर पार। तो मैं समझ गया था वो डैमेज तो पक्का ही होगा, वो हेल्थ लगा रहा था। मैंने आवाज़ सुनी और मैंने रश कर दिया। ये देखो गाइस ड्रॉप शॉट। गाइस आप ड्रॉप शॉट ज़रूर ट्राई करना। ये तो मैं स्टाइल मार रहा था। और मैं जाता हूँ बाइक लेके, क्योंकि स्कूल और अपार्टमेंट खाली हो गया था। तो मैं जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे सबसे बेकार चीज़ होने वाली है, बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ये गाड़ी मुझको, क्योंकि मैं हेडफोन पहना नहीं था तो ऑलवेज वेयर।